ਤਾਂ ਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਂਦਾ ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਬੂਤ ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤਿਰੰਗੇ ਚ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਰ ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨੋਜ CRPF ਦੀ 173 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੀਮਾਪੁਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੋਜ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨੋਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਪਸਰ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ CRPF ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 173 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਮਾਪੁਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਚ ਇਹ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੋਜ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਗਮ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨੋਜ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। हाँ, मनोज कुमार एक्चुअली 14 तारीख को बीमार हुआ थोड़ा, तो उसको हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो उसको बेड रेस्ट दिया था डॉक्टर ने, लेकिन उसके बाद में फिर ठीक हो गया था। तो 21 तारीख को लगभग 9:30 बजे के लगभग इसको फिर एक बार सीजर अटैक आया, और सीजर अटैक के दौरान में ये बेहोश हो गया। हमारा एक कॉन्स्टेबल है जो डॉग हैंडलर का काम करता है, उसने देखा तो ये बेहोश की हालत में था। बेहोश तो हमारा MI रूम होता है जो CRPF का, तो 173 बटालियन का जो MI रूम है उसमें लेके गया। तो एक्चुअली वहाँ पे हमारा जो डॉक्टर है वो थानी पोस्टिंग हो गया डॉक्टर, तो इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले गए तो इसको चेक किया, इसके नब्ज वगैरह देखा, तो इसको डॉक्टर ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। ड्यूटी के प्रति बड़ा ईमानदार, बड़ा ही अच्छा सिपाही था, बहुत ही अच्छा सैनिक, और इसका व्यवहार सभी लोगों से, लगभग इसकी 19 साल की सर्विस में जहाँ पे भी ये रहा, मणिपुर, आसाम, J&K, जिस क्षेत्र में भी रहा और अपने क्षेत्र में जहाँ भी इसको जो काम बताया गया, वो भी किसी अधिकारी ने या किसी कार्मिक ने, सबके प्रति इसका बहुत ही अच्छा व्यवहार था और सबको चाहने वाला जवान था, बहुत ही अच्छा जवान, सबके साथ मेल मिलाप से रहने वाला था। ये हमारी सलामी टुकड़ी 245 बटालियन CRPF कपूरथला से आई है। नाम सोमवीर सिंह, 173 बटालियन CRPF, इसी की कंपनी का जवान। ये जो मनोज कुमार शहीद हुआ है, ये अचानक इसका हार्ट अटैक का दौरा आने से शहीद हो गए। हार्ट अटैक 21 तारीख को मिनट के अंदर, मैं इनके साथ ही था और मेरा साथी था ये, और मैं इनको बोलते के साथ में 20 मिनट में हॉस्पिटल में पहुंच गए। हॉस्पिटल में जो ही पहुंचे, डॉक्टर के पास जाने से पहले दो हिचकी आई और हिचकी में इनका डेथ हो गया। फिर डॉक्टर साहब ने चेक किया, भाई नहीं बचा सकते, मैं फिर भी रिक्वेस्ट किया और डॉक्टर साहब कुछ कोशिश करो, तो डॉक्टर साहब ने फिर भी बोला भाई इसका तो सांस नहीं रह रहा है। ड्यूटी में बहुत ही बढ़िया मनोज कुमार, बहुत ही बढ़िया थे, हंसमुख व्यक्ति थे, हर आदमी से बातचीत से व्यवहार से बहुत बढ़िया व्यक्ति था। और CO साहब ने भी इनको बोला, मेरे को बड़ा दुख हुआ कि अचानक ये ऐसी स्थिति से ये डेथ हो जाएंगे, मेरे को आभास भी नहीं था। CO साहब ने और उधर से बटालियन ने बहुत ही गहरा दुख व्यक्त किया इसके ऊपर। ये जो सलामी देने के लिए टुकड़ी आई है, ये 245 बटालियन CRPF जलंधर से आई है। सानू पता लग गया, ये दिनांक मैं भी ऑन ड्यूटी था, 21 तरीक नूं कोई 10:30 बजे मैनूं फोन आया घरों
उस तो पहले इन्हें घर दी बच्चों ने भी गल हुई है इन्हों की भाजी उन्हों का फोन आया भाभी जी ने गल हुई है बच्चों ने गल हुई मम्मी जी ने गल नहीं हुई तो गल होने तो बाद जिदा फोन कट दिता इन्हें कहता मैं दोबारा फोन करता है दोबारा फोन करना एक घंटे तो बाद सानू खबर मिलती है कि इन्हों मतलब डैथ हो गई है कि तो महकमे वाले सर आए हुए हैं हमारे CRPF के जो सर हैं बाकी इन्होंने डिटेल का पता की होया कि नहीं कि उ जा नहीं सके क्यों नागालैंड ड्यूटी है उन्होंने इतों काफ़ी देर लग सकता है टाइम परिवार के पिछे मदर फादर है ब्रदर है मैं हूँ और मेरी सिस्टर है एक और दो बच्चे हैं इनके जो एक छेवीं क्लास में एक पंजवीं क्लास में है बहुत दुख लग गया है खबर सुन के और इन्हों क्रीमेशन से मैं आई हाँ और इन्हों के परिवार के नाल असं दुख की घड़ी के बीच खड़े हाँ और बड़ा होनहार और इन्हों प्रमोशन भी हजे दो दिन पहला हुई अपने पत्नी नाल गल की अपने पिता जी नाल गल की पता नहीं की सपने उन्होंने सजोए हुए से उन्होंने इत्थे आन के घर फंक्शन भी करना सी पर इस तरह की खबर सुन के उन्होंने डैथ की खबर सुन के सारे पिंड वासियां नूं साडे मकेरियां वासियां नूं बहुत दुख होया है सुन के भी जिहड़ा कि इन्होंने अपने घर विच फंक्शन सैलीब्रेट करना सी ते जदों मौत की खबर सुनी तो सारे इलाके दे विच बड़ा शोक महसूस किया लोगों ने।